तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक खैर खैरियत, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो जी हम हो गए रेडी, ठीक है जी। आज कुछ इस तरह लग रहे हैं हम, और अब जाना है हमने थोड़ा इस्लामाबाद। आपको पता है अब रोज़ाना की रूटीन ही बन गई इस्लामाबाद इश्तहार में। असल में वहाँ हम एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो रोज़ाना हमें आना जाना पड़ता है। तो अभी तो हम दो तीन दिन से मुसलसल ही जा रहे हैं, मगर उसके बाद फिर हमें रोज़ाना जाना फिर भी। तो उधर हम ऑफिस बना रहे हैं, ऑफिस बनाएंगे तो इंशाल्लाह वहीं पर फिर हमारा रोज़ाना यही रूटीन होगी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, और फिर अपने काम शाम करके सारा कुछ आएंगे। तो जल्दी से हम रेडी हो गए हैं, ठीक है जी। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और गाड़ी हमारी आज हुई हुई है सही तबाह हो के गंदी, बहुत डस्ट और धूल पड़ी हुई है, ओस ओस गिरती है, आपको पता है। तो यहाँ पिंडी के हालात ऐसे हैं, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, टोटल ऑल नाइट फॉगी रहती है। तो ये कभी कभी 12-1 बजे तक बाहर खड़ी रहती है। तो वो सारी फोक शोक पड़ के इस पर जो है ना, अभी ठीक ठाक वाले जो है ना, ये देखेंगे, ये स्पॉटिंग जो है ये बन गई है। और अभी इसको जाएंगे सर्विस वॉश वॉश करवाते हैं, इसको थोड़ा साफ़ सूफ करते हैं, ठीक है। तो बस सबसे पहले चलते हैं डेरे, वहाँ से अपने वाले साहब को पिक करते हैं और साथ एक और दो बंदे उनको पिक करते हैं, और फिर चलते हैं हम अपने काम की तरफ। तो इधर ये पोजीशन बनी हुई है इसकी, ये देखें अंदर से भी टोटल गंदी हुई हुई है, टोटल ही गंदी हुई हुई है। और ये तो बस खैर है, इसका तो कम यूज़ होती है गाड़ी। तो अभी इसका टोटल, ये जो हमारी ब्लैक करोला है, इसका मुकम्मल अभी दो तीन दिन काम करवाएंगे। आज एक दो दिन काम करके फिर इसको मुसलसल काम के लिए खड़ा करेंगे। जैसे कि इसकी ये प्लेट का ये नट टूट गया हुआ है, ये हिल रही है, इसके हिस्से में काम है, ठीक है जी। इसकी ये बम्पर्स में स्पेस आया हुआ है, ये यहाँ से आउट हुआ है, उस साइड का भी इसी तरह है, ठीक है जी। और अगला बम्पर थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है, वो थोड़ा पेंट कराएंगे, हिस्से का इसका काम करवाएंगे। यानी दो तीन दिन हमारे काम में ही लगने वाले हैं, ठीक है ना जी। तो बस साथ बने रहें इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा काम शाम का, ठीक है जी। तो बस चलती होते हैं, चलते हैं, निकालते हैं गाड़ी और चलें चलते हैं डेरे में। मायजा यहाँ खड़ी होगी, जाली में देख रही है। तो जी हम निकल गए हैं अपने पहले डेरे की तरफ, जाएंगे और बाहर ही सर्विस स्टेशन वाले उनसे पहले गाड़ी धुलवाते हैं, ठीक है जी। तो मैं खुद नहीं जाऊंगा, छोटे को भेजूंगा, वो जाएगा। तो जाके जो है ना, तो गाड़ी शाड़ी धुलवा के, तो फिर उसके बाद जो है ना हम अगला काम करेंगे, अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मिला तो, नहीं तो फिर देखेंगे कोई और जगह। आपको पता है हमारे पास टाइम होता नहीं है, जहाँ भी जगह मिली वहीं सर्विस करा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो मगर ये नहीं, मैं सिर्फ फिर वहीं बॉडी वॉश करवाता हूँ, सर्विस फिर पूरी नहीं कराता ना। तो फिर जो है सर्विस जो है ना, वो फिर मैं जो है ना अपने ही सर्विस स्टेशन वालों से करवाता हूँ, क्योंकि वो ज़रा धो के सही देते हैं हमें, ठीक है गाड़ी। तो चलें जी, आप इंजॉय करें थोड़ा सा रास्ता। आप लोगों ने कमेंट्स नहीं किए और ये नहीं बताया कि टाइम लैप्स अच्छे लगते हैं नहीं लगते, और दूसरी बात ये है व्लॉग इतने बंदे देख के जाते हैं और लाइक शाइक नहीं आते, तो काइंडली ये थोड़ा सा देखा करें, लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है जी। शेयर लाइक वगैरह ये चीज़ें कर दिया करें, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है। देखने वाले 150-200 बंदा होता है और लाइक सिर्फ 2 या 3 होते हैं, तो काइंडली इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करें। तो आपसे आपका क्या होगा, सिर्फ हमें एक जो है ना लाइक ही जो है हमें, वो आपने एक सिर्फ बटन ही दबाना है और लाइक मिल जाता है। और जो वैसे भी देख के जाते हैं सब्सक्राइब भी कर दिया करें, साथ साथ ही लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए इंशाल्लाह फिर मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी अच्छी सब कुछ सिस्टम लाएंगे, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता यानी सब कुछ आपके लिए जो है ना, फिर अंदर से फिर दिल करता है सब कुछ करने का, जब लाइक्स और वो कमेंट्स वगैरह ना आ रहे हो, चीज़ ना आ रही हो पॉजिटिव अच्छी चीज़ ना आ रही हो, तो इंसान कहता है कि यार वैसे पता नहीं मैंने कोई गलती कर ली है ये बना के। तो ये जो है ना सिर्फ आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए हम लोग ये चीज़ें बनाते हैं, और जो है ना बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया हुआ, अल्लाह का बहुत कुछ है। बस ये एक है, आप लोगों का प्यार चाहिए, बस वो प्यार जो है ना वो आप लोगों ने दिखाना है अभी, ठीक है। तो इस वीडियो पर आपने इतना प्यार दिखाना है कि आप पता लगे दिल खुश हो जाए, ठीक है इंशाल्लाह। तो बस पहुंचते हैं डेरे और फिर आपको आगे डेरे का निज़ाम शिज़ाम दिखाते हैं, उधर क्या है क्या नहीं है, दो तीन दिन से गए नहीं हैं हम,
ठीक है, और बल्कि गए हैं मगर उधर क्लिप वगैरह इतना नहीं बनाया हमने, तो चलते हैं वहाँ से क्लिप श्लिप बनाते हैं आज की क्या रूटीन है वहाँ, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और छोटे भाई ने वेबसाइट लॉन्च की हुई है तो वो भी काम शाम कर रहा है, उसे भी ऑफिस ऑफिस बनाना है पिछली साइड पर, वो ऑफिस ऑफिस के लिए काम शाम उससे मजदूर वगैरह लगाए हुए हैं, वो काम शाम भी कर रहा है। तो बस चलते हैं फिर देखते हैं और उसके बाद हम चलेंगे अपने काम की तरफ, ठीक है जी। तो जी हम डेरे शेरे पर आ गए थे, यानी नमाज शमाज पढ़ी और तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया हम यहीं पर हैं, तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर जो है ना चलते हैं अपने काम की तरफ, ठीक है। और उसके बाद जो है ना रास्ते में आपको दिखाते हुए जाते हैं, मिलते हुए जाते हैं। किधर है भाई साहब? इधर ही है, चलो ना चलना है। किधर जाते हैं? कहीं घूम घूम के किधर जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं? नज़दीक यार, उमर उमर से पूछता हूँ। तो चले हम चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कहाँ जाना है आगे, ठीक है जी। अभी हम नेस काम रोड से गुजर रहे हैं और यहाँ ये मेरा ख्याल है कोई आग वगैरह लगी है अंदर, यहाँ लकड़ियों के गोदाम है ना, तो इसमें ये आग वगैरह लगी है। सारा कुछ जल के राख हो गया, ये सारा कुछ जल वल गया। ये इस तरह लकड़ियों के टिम्बर के गोदाम है ना, तो उसमें सब कुछ जो है ना जल वल गया, सब कुछ हर चीज बेचारों का बहुत नुकसान हो गया। तो जी हम यहाँ रुक गए, हमने कहा आप लोगों को दिखाएं, यहाँ बहुत शदीद किस्म की आग लगी हुई थी, जैसे कि धुआं उठ रहा है, ये धुआं अभी भी उठ रहा है। तो हमने कहा कि इसको रिकॉर्ड करें और इसको बनाएं, आप सबको दिखाएं। और ये सामने आग लगी हुई है, यहाँ पर आग लगी है सामने, सामने जो है ना आग लगी, मैं करीब पहुंच के आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये सारा माल लोगों का, ये सब कुछ जो है ना ये जल गया, दुकानें सारी जल गई और अभी भी अंदर आग लगी हुई है, वो पीछे जोड़ रहे हैं। और MMC वालों ने पानी छानी डाल के जो है ना बुझाने की बड़ी कोशिश की है और लगे हुए हैं बेचारे, बुझा रहे हैं पाइप शाइप जा रहे हैं, पानी लगा हुआ मुसलसल। और ये देखें सारा कुछ जल के तबाह बर्बाद हो गया, शेड लकड़ लाइटें हर चीज़, यानी पूरी दुकान तहस नहस हो गई सारा कुछ। ये यहाँ ये नस्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर ये हादसा हुआ है और ये सारी दुकानें तकरीबन जितनी भी हैं सारी जल के राख हो गई हैं और अभी भी मज़ीद आग लगी हुई है अंदर। और देखें धुएं शुए अंदर उठ रहे हैं, ये बस बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टिम्बर मार्केट ये लिखा हुआ है, देखिए टिम्बर मार्केट लिखा हुआ है ना, ये सारा कुछ जो है जितना कुछ भी है सब जल गया है हर चीज। सारा हर चीज जल गई है, सीलिंग भी सब कुछ हर चीज। और रोडों का यह हाल है, नीचे पानी और सब कुछ। अल्लाह खैर करे, दिल ही बहुत अफसोस हुआ है, जो कुछ भी है मुसलमान भाई हैं हमारे तो नुकसान उनको काफ़ी हद तक, अगर आप नुकसान का आइडिया लगाएं तो नज़र आने में बहुत छोटी चीज़ें होती हैं मगर होते बहुत है, क्योंकि सारा नया सामान है, सारी लकड़ी, आज को आपको पता है लकड़ी का एक फुट पीस लेने जाओ तो भी 3-4 हज़ार रुपये का होता है अच्छी लकड़ी का। तो ये तो नए दरवाज़े बने बनाए और वो एक एक दरवाज़ा 10-15 हज़ार, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और एक दुकान नहीं, ये तकरीबन सारी दुकानें जल गई हैं, सारी दुकानें जली हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दुकानें 9 की 9 जल गई हैं। तो ये चलें जी, हम लोग आपको दिखाया वो हादसा सा हुआ था, वहाँ रुक के वीडियो शीडियो बनाई, फिर हम आ गए इश्तेहार, अभी हम ये हाईवे पर खड़े हुए हैं बस। और ये आ गए वालिद साहब और बस अब यहाँ से निकलते हैं और अभी चलते हैं, मेरा ख्याल है इश्तेहार जाना है, कहाँ जाना है फिर आपको बताता हूँ साथ साथ। तो चले जी हम लोग आ गए थे घर इश्तेहार से, सारा कुछ करके जिम शिम भी लगा लिए और अभी हम जिम के कपड़ों में ही हैं। तो कुछ मेहमान आ रहे हैं, कल फ्राइडे है और हम जा रहे हैं फिश लेने के लिए, ठीक है जी।
तो बस जाते हैं और फिश विश लेकर और फिर वापस आते हैं। और आज जो हमने व्लॉग में देखा वो आप अभी देखना इंशाल्लाह। बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा माल वो उनका जल गया। तो चले अल्लाह खैर करेगा, तो बस इंशाल्लाह चलते हैं और फिर आते हैं। और फिर इसके बारे में थोड़ी सी एक आधी क्लिप में ऐड करता हूँ, फिर उसमें थोड़ी बातचीत करते हैं उसके बारे में। ठीक है जी, तो चले चलते हैं इंशाल्लाह। तो जी अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए थे मछली मंडी मछली लेने के लिए और अभी हमारी मछली ये इधर बन रही है। ठीक है जी, मछली हमारी इधर तैयार हो रही है। ये तैयार होगी तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं। कल जुमे वाला दिन है और कल इंशाल्लाह फ्राई करके मछली खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और ये सारी मछली पड़ी हुई है यहाँ पे, ये मछली मंडी में हम खड़े हुए हैं, ये सामने देखे नहीं है, सारी सामने भी मछली है सारी इधर। और ये सारी मछली मछली और हमारी मछली तैयार हो रही है। ये लगी हुई है कुछ, ये लगी हुई है अभी चली गई है, पहला रोह अभी चला गया उधर तैयार हो रहा है। एक दो तीन हमारी इधर पड़ी हुई है, बस ये बन रही है और फिर चलते हैं हम आगे की तरफ, उधर बनाएंगे हमारी मछली। तो जी हम लोग सारे काम शाम करके सब चीज़ें करके वापस आ गए हैं। ठीक है जी, तिक्के शिक्के खाए वहाँ पर और बड़ा मज़ा आया। ठीक है जी, तो जो व्लॉग में देखा तो उसमें लाजमी जो है ना दिल खफा हुआ है। ठीक है जी, तो अल्लाह खैर करेगा सब पर, अल्लाह अपना करम और फजल फरमाए। ठीक है, तो दे अपने प्यारे भाई को इजाज़त मीर नादर जावेद को। तो आखिर में आप लोगों ने क्या काम करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और ये लाजमी करें, कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए करें। ठीक है जी, किसी चीज़ की कमी लगे तो बताया करें लाजमी। तो दे अपने प्यारे भाई को इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम, टाटा बाय।